प्यारे बच्चों, कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज भटहट गोरखपुर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग खंड खा राजनीतिक सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 9 शांति के भाग 2 में बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भाग 1 में आपने ये समझा कि शांति क्या है, शांति की भूमिका क्या है, हिंसा को समझा, संरचनात्मक हिंसा को समझा, उसे रोकने के उपाय समझा। बच्चों, इसके आगे अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस अध्याय में कि क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है, हिंसा कहां तक शांति स्थापित कर सकती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम शांति और राजसत्ता के बारे में पढ़ेंगे कि शांति स्थापना के मार्ग में राजसत्ता की भूमिका क्या हो सकती है और कहां तक वो अवरोधक बन सकते हैं। इसके अलावा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शांति कायम करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। आज जो शांति स्थापित करने की पूरे विश्व में प्रक्रिया चल रही है, उस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इसके अलावा जो शांति के मार्ग की वर्तमान विश्व में चुनौतियां प्रस्तुत हुई हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ शांतिवाद के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और पहले बिंदु की तरफ आते हैं कि क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। आपके मनोमस्तिष्क पर एक विचार कौंधता होगा हिंसा को लेकर कि हिंसा कभी उपयुक्त नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी हिंसा को रोकने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए कुछ सीमित मात्रा में हिंसा के उपयोग को उपयुक्त कहा जा सकता है। बच्चों, सैनिक तानाशाह कोई है, अत्याचारी शासक है जो अपने जनता पर विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं कर रहा है, उससे निजात पाने के लिए यदि सीमित मात्रा में हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे उचित कहा जाता है। विभिन्न देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों को लीजिए, विभिन्न देशों में चल रहे मुक्ति संघर्षों के उदाहरणों को देखिए, वहां पर अत्याचार और दुर्पीड़न से मुक्ति के लिए कुछ हिंसा का सहारा लिया गया। लेकिन क्या हिंसा सर्वथा उपयुक्त है, यह प्रश्न उठता है। बच्चों, यहां यह समझ लीजिए, हिंसा दुधमुखी तलवार की तरह है जिससे शांति स्थापित भी हो सकती है और हिंसा बढ़ भी सकती है। यदि यह प्रक्रिया लंबी चलती गई तो अशांति बनी रहेगी, हिंसा व्यापक रूप ले लेगा और उससे मानव समाज को व्यापक क्षति उठाना पड़ेगा। अर्थात सभी परिस्थितियों में हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न उठता है कि कुछ विचारक इस सोच के हैं कि हिंसा के समाप्ति के लिए अहिंसक साधनों का प्रयोग किया जाए। वे
उनकी शक्तियों को कम करके नहीं आंकते, बल्कि उनके ऊपर नैतिक और सामाजिक दबाव देने के लिए सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे साधनों का उपयोग करते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि सर्वप्रथम जो अत्याचारी शासक है, जो निरंकुश शासक है, उसकी मनोवृत्तियों को बदलने की कोशिश की जाए, और यदि वो ऐसा नहीं हो पाता है तो वे उनकी अनैतिक कानूनों को, शोषण परक नीतियों को अहिंसक तरीके से ना मानने का आह्वान करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लीजिए, जिसमें महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। उन्होंने जन आंदोलन के रूप में अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ने के लिए जनता का आह्वान किया। बच्चों, यह चीजें कुछ हद तक शांति के मार्ग में सहायक हो सकती हैं। शांति के लिए इसका प्रयोग अमेरिका में 1960 में किया गया, गोरे लोगों को के विरुद्ध अश्वेतों को अधिकार दिलाने में, भेदभाव को खत्म करने में इसका प्रयोग किया गया। बच्चों, हिंसा के द्वारा पूर्णतः शांति नहीं लाई जा सकती। जो नैतिक बल है उसके द्वारा शासक वर्ग को झुकाया जा सकता है। आप पूर्व सोवियत संघ को लीजिए, वह तो स्वयं अपने अंतर्निहित विरोधाभासों के कारण ही नष्ट हो गया, लेकिन ऐसा हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी हिंसा के प्रतिकार के रूप में सीमित हिंसा का प्रयोग उपयुक्त कहा जा सकता है। बच्चों, इसके बाद हम अगले बिंदु पे पढ़ते हैं, शांति और राज्य सत्ता। देखिए, आप सभी जानते हैं आज सभी संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जो अपनी संप्रभुता स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे अपने हितों के संवर्धन के लिए, अपने नागरिकों के हितों के संवर्धन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिए वे दूसरे के हितों को भी अनदेखी कर देते हैं, और जो ये अनदेखी करते हैं इसके कारण जो प्रतिद्वंद्विता आपस में उत्पन्न होती है, उस प्रतिद्वंद्विता के कारण अशांत का वातावरण जन्म लेता है। इसीलिए कहा गया, शांति स्थापित के लिए स्वयं को बृहत्तर मानवता के एक अंग के रूप में राज्यों को स्वीकार करना होगा, तभी मानव का कल्याण हो सकता है। बिना मानवता को प्रभावित किए हुए हम शांति स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य अपने हित साधन के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने को सदैव तैयार रहते हैं। वे नागरिकों में भेद करते हैं, अपने नागरिकों के हितों के संवर्धन के लिए दूसरे नागरिकों के हितों को प्रभावित करते हैं, जिससे कि तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। बच्चों, यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो
तो राज्य एक शक्ति के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। जिस बल का प्रयोग अर्थात अपनी पुलिस और सैनिक का प्रयोग जो नागरिक हितों में शांति स्थापित करने के लिए होना चाहिए था, वर्तमान में उसका प्रयोग वे अपने ही नागरिकों की आवाजों को दबाने में कर रहे हैं। इसका उदाहरण आप सैनिक तानाशाह म्यांमार में देख सकते हैं, उत्तर कोरिया में देख सकते हैं कि किस प्रकार अपने ही नागरिकों के हितों की अनदेखी करते हुए उनकी मांगों को अनदेखी करते हुए दबाया जा रहा है और इसमें उनके पुलिस बल सहयोग करते हैं। बच्चों, यदि वास्तव में शांति स्थापित करना है तो इन राष्ट्रों को संयम का परिचय देते हुए अपने पुलिस बल का प्रयोग संपूर्ण मानवता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए करना होगा। आज वर्तमान परिदृश्य में देखिए, विश्व संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित है जो शांति के मार्ग का प्रमुख अवरोधक है। सभी संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित हैं, उनके हित बटे हुए हैं, जिससे कि वे अपने ही हितों के संवर्धन को ध्यान देते हैं। ये जो प्रक्रिया है राष्ट्रों की संप्रभुता की, यदि इसमें आपसी सामंजस्य और सहयोग का भाव जोड़ दिया जाए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हो, तो ये संघर्ष और तनाव कम किए जा सकते हैं, जिसे कि अस्थाई शांति प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, यदि इन समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान सार्थक लोकतांत्रिक और अधिक नागरिक आजादी से ही संभव है। इन देशों में जो ये संप्रभु देश हैं, यदि वहां लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया तेज की जाए, वहां के लोगों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, तो निसंदेह शांति के मार्ग में एक नई इबारत लिखी जा सकती है। आप दक्षिणी अफ्रीका को ले लीजिए, जो 1992 के बाद किस शिखर पर पहुंच चुका है। राजनीतिक व्यवस्था वहां की कहां पहुंच चुकी है, इसीलिए आवश्यकता है राजसत्ता को ज्यादा जवाबदेह बनाने की। जब तक राजसत्ता जवाबदेह नहीं होगी, तब तक अस्थाई शांति नहीं कायम किया जा सकता। लोकतंत्र और मानवाधिकारियों के लिए संघर्ष और शांति के लिए सुरक्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध है। लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए वर्तमान समय में पूरे विश्व में जो आंदोलन चल रहे हैं या जो समाजसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं, विश्व की अनेक संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं, उनके बद और जो सुरक्षा शांति की बात की जाती है उसके मध्य घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि जहां लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा वहां स्थायी शांति नहीं हो सकती, और जहां मानवाधिकारों के उल्लंघन होते रहेंगे वहां भी स्थायी शांति नहीं बनाई जा सकती। बच्चों, इसके बाद हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। देखिए, वर्तमान में अनेक सिद्धांतकार विचारक इस दिशा में प्रयासरत हैं कि शांति किस प्रकार स्थायी हो, जिससे कि पूरा विश्व प्रगति कर सके। क्योंकि शांति के अभाव में मानव सभ्यता का विकास संभव नहीं है।
इस दिशा में बच्चों जो पद्धतियां हैं उन्हें तीन वर्गों में बांटकर अगर देखा जाए, पहला जो कहता है वो कहता है राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देते हुए उनकी संप्रभुता का आदर करना होगा। राष्ट्रों की सभी संप्रभु राष्ट्र हैं, प्रत्येक चाहे वो शक्तिशाली हो चाहे निर्बल राष्ट्र हो, वो सभी को एक दूसरे का सम्मान करना होगा, उनकी प्रतिद्वंदिता को एक जीवंत सत्य मानना होगा, क्योंकि प्रतिद्वंदिता राष्ट्रों के मध्य सदैव बनी रहती है। इस प्रतिद्वंदिता व संघर्ष का अंत सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था से करना होगा। दूसरी जो पद्धति है वो कहती है राष्ट्र आधारित व्यवस्था जो है मध्य प्रतिद्वंदिता को सकारात्मक और पारस्परिक निर्भर व सहयोग के द्वारा कम करने पर बल देना। ये जो राष्ट्रों के मध्य आपसी प्रतिद्वंदिता है इनको कम करने के लिए आवश्यक है सामाजिक आर्थिक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए जिससे राष्ट्रों के मध्य सामाजिक आर्थिक राजनैतिक शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। और जब तक इन सहयोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक उनके मध्य जो प्रतिद्वंदिता है उसे कम नहीं किया जा सकता, और बिना प्रतिद्वंदिता को कम किए हुए अस्थाई शांति नहीं बनाई रखी जा सकती। जो तीसरा विचारधारा है वो कहती है राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्राय अवस्था मानती। ये तीसरी विचारधारा की जो राष्ट्र आधारित विचारधारा ये समाप्त प्राय लुप्त प्राय व्यवस्था है, क्योंकि अब राष्ट्रों के मध्य सहयोग बढ़ गए हैं, अनेक संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्रों के मध्य दूरियों को कम करने में सहायक सिद्ध हुए हैं, और जब तक इन राष्ट्रों के मध्य ये जो सीमाओं के बंधन हैं ये छीण नहीं होंगे तब तक शांति प्रबल नहीं होगा। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं समकालीन चुनौतियों की तरफ। देखिए शांति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वर्तमान समय में, यह चिंतन और मनन का केंद्र बिंदु है। आज पूरा विश्व इस तरफ ध्यान लगाए बैठा है। पहला जो आता है वह है शक्तिशाली राष्ट्रों का व्यवहार। संयुक्त राष्ट्र संघ भी पूर्ण सफल नहीं हुआ है शक्तिशाली राष्ट्रों के ऊपर अंकुश लगाने में। ये शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों के संवर्धन के लिए अपनी शक्तियों के वृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र का उपयोग करते रहे। इसके अलावा ये क्षेत्रीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करते रहे जिससे कि उनके हित संवर्धन हो सके। दूसरा जो प्रमुख चुनौती उत्पन्न होती है वह आतंकवाद। आज पूरा विश्व वह चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे चीन हो भारत हो, हर देश आतंकवाद की घटनाओं से अछूता नहीं है। इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे
कहीं ना कहीं किसी सबल राष्ट्र का हाथ अवश्य होता है, क्योंकि जो ये आतंकवादी विभिन्न तरीकों और हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, वे आखिर आते कहां से हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह है कि बिना किसी सहयोग के वे इस तरह फल फूल नहीं सकते हैं। बच्चों, आपने 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र को ध्वस्त होते हुए देखा, किस प्रकार इस्लामिक आतंकवादियों ने उस पूरे सेंटर को गिरा दिया। आप 13 दिसंबर 2001 की घटना को लीजिए, जब भारतीय संप्रभुता के प्रतीक संसद भवन पर आतंकवादियों ने आक्रमण किया। रूस में चेचेन विद्रोहियों ने किस तरह बच्चों को निशाना बनाया। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मानवता को दहला देते हैं। यह एक गंभीर प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं और वर्तमान में विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य इस आतंकवाद के प्रश्न पर भी एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। कुछ राष्ट्र में जहां ये घटनाएं कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, वहीं दूसरे राष्ट्र उन्हें पोषित कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। भारतीय संदर्भ को ही लीजिए, कश्मीर की में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं के पीछे किसका हाथ है पूरे विश्व से छिपा नहीं है, ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यवहार में भी एक रूपता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जब 5 लाख तुत्सु लोगों के हुतु लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसकी खुफिया जानकारी पहले से थी, जिसके घटनाओं से रगे हुए अखबार पूरे विश्व में पढ़े जा रहे थे, ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की चुप्पी एक चिल्ह लगाती है। उसने वहां पर अपने शांति सैनिकों को भेजने के से भी मना कर दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आज इन घटनाओं से निपटने के सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आज पूरे विश्व को ही अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है, जिससे कि अस्थाई शांति की व्यवस्था को कायम रखा जा सके। अगर सहयोग को बढ़ावा दिया जाए तो ये घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी। और इसके अलावा सभी सबल राष्ट्रों को, जो कमजोर राष्ट्र हैं, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना होगा। बच्चों, इसके बाद हम अगले बिंदु की तरफ आते हैं, शांतिवाद। बच्चों, शांतिवाद शब्द कई बार आपने सुना, सामान्यतः जो शांति के पोषक लोग हैं उनसे इसका अर्थ लिया जाता है। शांतिवादी जो हैं, जो इस विचारधारा के समर्थक लोग हैं, वे विवादों को सुलझाने के लिए हिंसा के बजाय शांति का उपदेश देते हैं। वे हिंसा को किसी भी रूप में नहीं मानते। जितने धार्मिक ग्रंथ रहे हों, वर्तमान में महात्मा गांधी को देखिए, भारतीय संदर्भ में
उन्होंने शांतिवादी सिद्धांत का किस प्रकार पालन किया और ये शांतिवादी जो हैं वो किसी चरम सिद्धांत का विरोध करते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि हिंसा का विरोध हिंसा नहीं हो सकती, मानव के मनोस्तिष्क में परिवर्तन के लिए नैतिक दबाव ही काफी है। नैतिक रूप से उनके ऊपर दबाव डालकर उन्हें रोका जा सकता है। बच्चों, ये जो अहिंसा के सिद्धांत का अनुसरण करने वाले शांतिवादी हैं, इनके मुख्य हथियार नैतिक हैं, अर्थात सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन जैसे हथियार इनके मुख्य हथियार हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए वर्तमान विश्व में इस शांतिवाद की अवधारणा सभी देशों द्वारा स्वीकार की जा रही है। इसीलिए आज पूरे विश्व में गांधीयन विचार, गांधी जी के विचारों को पढ़ा जा रहा है, उस पे शोध किए जा रहे हैं और उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मानवता के विकास के लिए, सभ्यता के विकास और संवर्धन के लिए, सभ्यताओं में निरंतरता के लिए अस्थाई शांति बनाए रखी जा सके। अंत में बच्चों देखते हैं कि पूरे इस अध्याय में जो आपने पढ़ा उसमें यह कहा जा सकता है कि शांत के क्रियाकलापों में सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंधों के सृजन और संवर्धन के अविचल प्रयास शामिल हैं जो मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रेरक होते हैं। जो शांति है वही एक ऐसा मार्ग है जिससे विश्व में खुशहाली लाई जा सकती है और मानव का कल्याण हो सकता है। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए आज पूरे विश्व को तमाम घटनाओं को झेलने के बाद, मानवता को एक भारी क्षति पहुंचाने के बाद यह समझ में आया है कि शांति ही वह प्रमुख मार्ग है जिससे कि मानवता का विकास हो सकता है। इसी के साथ बच्चों यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।